एकादशी व्रत पालन करते हैं तो उसके लिए मंगलप्रद होता है। इसका दो दिक है, एक साइंटिफिक एक आध्यात्मिक। आध्यात्मिक दिक से ये तो हरितोषणी व्रत है। आध्यात्मिक दिक भगवान कहते हैं ये व्रत पालन करने से हम प्रसन्न होते हैं, और जो एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करता है वो हमारे छाती पे वज्र प्रहार करता है, शेल प्रहार करता है, हमको प्रहार जैसे लगता है। भगवान बड़ा कष्ट पाते हैं जो एकादशी के दिन अन्न खाता है। एकदम असंभव हो कम से कम फल मूल ऐसे वस्तु ग्रहण करो जो कि रसोई किया हुआ नहीं हो, चूल्हा चेताया हुआ नहीं हो, फल मूल आदि, दूध आदि, एकांत तो जो असमर्थ वृद्धावस्था व्याधिग्रस्त डॉक्टर ने निषेध किया है, जो एकादशी कोई व्रत आदि नहीं करना चाहिए इस उम्र में भाई इस अवस्था में, उनके लिए ऐसे करना ठीक है और मजबूरी है। लेकिन जो स्वास्थ्य है समस्त प्राणियों मनुष्य मात्र सबके लिए ही एकादशी व्रत पालन करना चाहिए। ये व्रत जो पालन नहीं करते हैं, एकादशी के दिन अन्न खाता है, भगवान कहते हैं वो हमारे छाती पे शेल प्रहार करता है। हमारे जो व्रत है, हमारे जो जितना हम व्रत अनुष्ठान करते हैं, हमारे अनुष्ठान का उद्देश्य है कोई फल नहीं, जो ये कर्म करने से ये अनुष्ठान करने से हमको फल मिल जाएगा, फल कामना लेकर हमारे कोई व्रत अनुष्ठान नहीं। फल कामना लेकर के भी व्रत अनुष्ठान है, बहुत सारे देवियों का उपासना करते हैं, नाना प्रकार उपासना करते हैं फल कामना लेकर के। लेकिन हमारे जो वैष्णव जो हैं, जो सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवत चरण में समर्पित होकर के भगवत प्रीति संपादन के लिए जो भजन अनुष्ठान करते हैं, उनके लिए कोई फल कामना नहीं। उनके अनुष्ठान का एकमात्र उद्देश्य है भगवत प्रसन्नता, ठाकुर जी तुम प्रसन्न हो जाओ, हमको कोई फल फूल नहीं चाहिए। जिसका फल चाहिए वो फल कामना लेकर के को भजन करते रहे। हमारे जो वैष्णव जो है, हमारे जो राधा रानी उपासक जो है, ये फल कामना लेकर के भजन नहीं करते। दिखा साइंटिफिक दिख है, एकादशी व्रत जो पालन करते हैं वो 90% कैंसर रोग से मुक्त हो जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बोले आप कह रहे हैं आपके सांप्रदायिक शब्द ये सब आप लोग, हम नहीं कह रहे हैं। जापान के एक बड़े साइंटिस्ट और एक जन अमेरिका के बड़े साइंटिस्ट दोनों विचार करके देखे हैं एकादशी के दिन नीट जला रहने से वो कैंसर का वायरस जो है उसका अगर है भी उसको नष्ट कर देता है, वो फैल नहीं पाता है, 90% कैंसर भय से मुक्त हो जाता है एकादशी के दिन। दो नंबर, एकादशी के दिन नीट जला रहने से हम लोग जो खाते हैं ना वो तो एक मशीन है, मशीन का रेस्ट चाहिए, नहीं तो मशीन जल्दी नष्ट हो जाएगा। तो ये शरीर एक मशीन है, यंत्र है, हम खाते हैं एक दिन उसको विश्राम दो तो हमारे भीतर का जो भी है वो पच जाता है, फिर दूसरा दिन पेट को साफ करना जरूरी है। एकादशी करके द्वादशी के दिन पेट को साफ करना जरूरी है, साफ करने का पहले कुछ खाना नहीं, अगर संभव हो गौमूत्र से, गौमूत्र ले लो 250 ग्राम गौमूत्र ले लो तो 15-20 मिनट के अंदर तुम्हारे समस्त कीचड़ मीचड़ जितना है पेट का पूरा साफ कर दे। थोड़ा सा गौमूत्र लेने का बाद 15-20 मिनट के बाद पानी पी लो, ठंडा पानी 2 लीटर जैसे ठंडा पानी पी लो, फिर देखना तुमको बेग मोशन आ जाएगा, 2-3 बार मोशन होगा, पूरा तुम्हारा 15 दिन का जितना मल है ना सब नष्ट हो, तुम्हारे शरीर को फ्रेश कर देगा। फिर द्वादशी के दिन, द्वादशी के दिन हम तो निर्जला करते, द्वादशी के दिन हमको मालूम होता है जैसे हमारा पूरा जवानी आ गया, वैसे हम जैसे स्वस्थ हो गया ऐसा लगता है, हमको तो लगता है।